नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कस्बे से सटे मोहल्ला नया गनीपुर निवासी मुकीम खान पुत्र स्वर्गीय कबीर खान अपने परिजनों के साथ बीती रात अपने घर में सोए हुए थे और कुछ लोग छत पर सोए हुए थे। तभी रात में किसी समय अज्ञात चोरों ने छतों के रास्ते घुसकर ताले काटकर घर में रखे बक्सों में नकदी जेवर चोरी कर लिए। परिजनों के मुताबिक थाने में दी गई तहरीर में दर्शाया गया है कि दो हार, सोने के 5 अंगूठे आदि सामान चोर निकाल ले गए हैं। जब सभी परिजन समय से जागे तो घर में सामान बिखरा पड़ा मिला तो उनके होश उड़ गए। तब थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर जांच करने पहुंचे थाना अध्यक्ष आर के शर्मा, कस्बा इंचार्ज आंसू यादव मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। मामला चोरी हुई है, हमारा माल जेवर चला गया है। कैसे क्या हुई चोरी? चोरी क्या, छत जीने द्वारा आए चोर और हम लोग सो रहे थे यहाँ बरामदे में। सब चोर अंदर यहाँ बरामदे कमरे में चोरी हो गई। क्या क्या ले गए? दो हार थे, 4 अंगूठी थी, 4 जोड़ी पायल और हाथ वाले छपके थे। ये चीज थी सब। तो चोर आए तो किस तरीके से, कहाँ से उतर के आए? जीने से आए? जीने द्वारा। आप लोग कहाँ थे उस टाइम? हम लोग यहीं सो रहे थे बरामदे में। आप लोगों ने जानी नहीं जब चोरी कर? हम लोगों को तो नहीं जान पाए। कुछ नहीं जान पाए। ठीक।